नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आज 23 अक्टूबर है और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की टूट पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। दो टूक अंदाज में उन्होंने कहा कि जाने उनको जो करना है वो करे, हमें ना तो इसमें कोई रुचि है और ना ही दिलचस्पी। वहीं वैक्सीनेशन पर उन्होंने कहा कि बिहार का परफॉर्मेंस बेहतर है। ये खबरें बहुत तेज है कि बाई इलेक्शन से पहले लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले। खबर ये है कि रविवार की शाम वो फ्लाइट से पटना पहुंच जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर के राबड़ी आवास से लेकर RJD कार्यालय तक चहल पहल देखने को मिल रही है। राजद सुप्रीमो के आने की खुशी बिहार की जनता में भी खूब दिख रही है। वहीं राबड़ी आवास पर इसको लेकर चहल पहल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पटना में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच भीषण झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं गांव वालों की तरफ से किए गए पथराव में 20 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने करीब 20-30 राउंड फायरिंग भी की थी। फिलहाल हालात काबू में है और पूरे मामले की जाँच चल रही है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कन्हैया कुमार को लपेट लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से आए हो अक्कड़ बक्कड़ कुछ बोलते जा रहे हो, गैंग वाले थे अब नेता बनने का शौक पाले हो। याद रखो कि अगर लालू यादव नहीं होते तो शायद तुम भी नहीं होते। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कन्हैया कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें बोलता है, AC भी उखड़वा के जो बेचता है। रोहिणी ने यह भी कहा कि सिद्धांतों का जो धनी नहीं वो नेता तो क्या, इंसान भी बनने के लायक नहीं। जमुई से तारापुर जा रहे जदयू के MLA राजकुमार सिंह की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वो दुर्घटना का शिकार हुई। हालांकि MLA बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये कहा जा रहा है कि मौके पर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन विधायक जी ठीक है। बिहार के खगड़िया में 4 लोग कोशी नदी में डूब गए। 3 बहन भाई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। SDRF की टीम उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान 4 लोग नदी में डूब गए थे, हालांकि इसमें से 1 लोग को बचा लिया गया है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा तीनों की खोजबीन की जा रही है। SDRF की टीम भी मौके पर पहुंचकर उनकी मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया है और वो उसका नाम अयोध्या कैंट रखने वाले हैं। आज 5वें दिन भी फिर से तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बिहार में आज पेट्रोल 40 पैसे तो डीजल 36 पैसे महंगा हुआ है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107 रुपए पहुंच चुके हैं, जबकि बॉम्बे में पेट्रोल के दाम 113 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। आए दिन डीजल और पेट्रोल नए आयाम कायम कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाक मुकाबले में फैंस की नजरें टिकी हुई है। जहां भारतीय टीम की कमान विराट कोहली संभालने वाले हैं, वहीं पाक टीम की बागडोर बाबर आजम के हाथों में होगी। इस महा मुकाबले के लिए टीम इंडिया जोर शोर से अभ्यास में जुट चुकी है, ताकि कोई भी कसर ना रह सके। वहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर बने नजर आ रहे हैं MS धोनी, जो कि नेट के प्रैक्टिस में भी खिलाड़ियों की पूरी तरीके से मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के नवादा में पंचायत चुनाव का एक दिलचस्प रंग देखने को मिला है, जहां चुनाव के मैदान में पति और पत्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को परास्त करने के लिए जोरों शोरों से लग चुके हैं। पति पत्नी की ये राजनीतिक लड़ाई इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।